So it's just about to start. ठीक है राधिया जी, शुरू करिए, लाइव हो गया। चलिए परफेक्ट। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लभते। ओके, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, कोई बताना चाहेगा? अनुपुर जी। हाँ, कल का बताना है या? हाँ जी। कल हमने देखा था कि जो हमारी विश लिस्ट चालू होती है या होती है वो कहाँ किसकी वजह से होती है, तो डिजायर्स या इच्छा की वजह से होती है। और इच्छा जो होती है उसके चार रीजंस देखे थे हमने। कषाय भावना, पूर्ण करना, जानने की इच्छा होना, पाप न मिले या प्रतिकूलता न मिले, और पुण्य हो, ऐसी चार इच्छाएं हमने देखी थी। और फिर हमने क्रमबद्ध पर्याय को टच किया था विद पांच समवाय की, कुछ भी फॉर एनीथिंग टू हैपन देर आर फाइव कारण या पांच रीजंस। तो उसमें हमने फिर क्रमबद्ध पर्याय भी देखा था कि अल्टीमेटली अगर समय नहीं आया है, काल लब्धि नहीं हुई है, तो वो टाइम पे काम होगा नहीं। इसलिए हमें अरा पुरुषार्थ तो करना है, पर अल्टीमेटली काम जब होना है जब होगा, तो इसमें चिंता करने का फायदा ही नहीं है, इतना देखा था। आज आप लोगों के वहां पे सत्य है या सोच है? सत्य है। सिक्स्थ है। हाँ, सिक्स्थ है ना, सॉरी, हाँ सिक्स्थ डे आज, राइट। हाँ, तो उत्तम संयम हो गया ना। या परफेक्ट। चलिए, हम लोगों ने कल देखा था क्या गुप्ती में, संयम में और नियम और व्रत में क्या डिफरेंस होता है? I don't think देखा था। Okay, perfect. Maybe you will realize कि हमने देखा था। No issue. It's my bad. तो कल हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था जिसके अंदर, कल नहीं परसों देखा था, जिसके अंदर एक सिचुएशन था कि यदि आपके सामने कोई आके आपसे कोई सवाल पूछता है तो क्या आपको उसका जवाब देना कंपलसरी है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि इसे मारे या तुम्हें मारे, तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन नहीं, एक थर्ड ऑप्शन भी होता है जिसका होता है कि तुम कोई आंसर ही ना दो। तो इसके अंदर जब ये ऑप्शन दिया गया है कि आप कुछ आंसर ही ना दो, तो वो उसको बोलते हैं गुप्ती। सो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। अब इसके अंदर एक आता है संयमित करना। अब मुझे ये बात बताना, इस दुनिया में व्हाट इज देयर इन योर कंट्रोल? हमारी जो लेक्चर हुई थी, हमारा जो टॉक हुआ था विद मी प्रतीति जी एंड अनुप्रेक्षा जी, उस टाइम पे एक क्वेश्चन का आंसर था जहाँ पे आया था कंट्रोल, जहाँ पे बात आई थी कमिटमेंट, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन ये दो चीजें हाईलाइट हुई थी। इन दोनों पॉइंट के अंदर मुझे ये बताओ कि कंट्रोल किस चीज को करना है और क्यों करना है,
सॉरी कंट्रोल किस चीज को करना क्यों करना है, कमिटमेंट किस चीज का चाहिए क्यों चाहिए। हमने उस टाइम पे एग्जांपल देखा था कि अगर काइट है तो काइट को आपको मांजे से कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन क्या एक्चुअली में आत्मा को कंट्रोल की आवश्यकता है कि नहीं है? और यदि आत्मा को कंट्रोल की आवश्यकता है तो हम लोग पुद्गल के ऊपर क्यों कंट्रोल करते हैं? जितने भी अणुव्रत महाव्रत है वो आपके पांच सेंसेस के ऊपर या फिर क्रोधमान कषायों के ऊपर भावों के ऊपर ही कंट्रोल करते हैं। पांच पापों पे कंट्रोल है ना अणुव्रतों का। बट कंट्रोल तो आत्मा के ऊपर होना चाहिए कि पुद्गल के ऊपर? संयम तो पुद्गल थोड़ा ट्रिकी है, आई गॉट कंफ्यूज्ड। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। आपको किस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में है उसको या जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको? जिस पे कंट्रोल है वो, जो कि हमारे भावों पे है कंट्रोल, राइट? यस यू आर करेक्ट। कंट्रोल भावों पे है, पुद्गल पे नहीं है, राइट? करेक्ट। आपको पता है आत्मा का जो लक्षण है वो है उपयोग, और उपयोग दो टाइप के होते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। कल हमने जब इच्छा और इन सब की बातचीत की थी तो उसके अंदर जो की है वो की है ये उपयोग। आपने अपने उपयोग को कंट्रोल करके सही जगह पे लगाया तो आपका कल्याण हो गया। यदि आपने आप ही के इस उपयोग को गलत जगह पे लगाया तो आपका संसार अपार है। ये उपयोग अगर मैं आपको आपकी डे टू डे लाइफ से बात करके बोलू, कनेक्ट करके बोलू, देन दिस इज द सेम उपयोग जिसको यदि आपने आपकी डे टू डे लाइफ में, आप बोलते हो ना कि अगर तुमने फोकस, तुमने कॉन्सेंट्रेट अगर सही जगह पे किया है तो आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर आपने सही जगह पे नहीं किया है तो आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि आपने उपयोग पढ़ाई में किया है यू विल स्कोर वेरी नाइस मार्क्स। बट यदि आपका उपयोग मस्ती मजाक दोस्तों के साथ फालतू में घूमने फिरने में लग गया तो यू कैन से दैट योर उपयोग इज ऑल अबाउट फोकसिंग। हेलो, am I audible? जी सर। अब ये जो मैं उपयोग की बात कर रहा हूं, मैं आपको बोला कि आपको फोकस करना है तो फोकस किस चीज पे करना है, और इवन बेटर किसको फोकस करना है? अपनी आंखों को, अपने ये इंद्रियों को, अपने दिमाग को, अपने भावों को? बिल्कुल नहीं। आत्मा को? आत्मा में भी किसको? चलिए एक बात बताइए, थोड़ा सा ना मैं डीप बात कर लो, ये जो आपके विकारी परिणाम है ना, आपके जो भाव है ना, मोह राग द्वेष मिथ्यात्व,
चार कषाय, क्या ये सब भाव आत्मा के हैं? क्या ये सारे परिणाम आत्मा के हैं? मन के है, सॉरी किसके है? अपने मन से होते हैं। अपने मन से होते हैं। ओके आह अच्छा ठीक है, एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ आपसे, आपको गुस्सा आता है? आता है। तो वो गुस्सा आप हो कि वो आपका नहीं है? जो गुस्सा आता है वो मेरा ही है। I didn't understand. I think समझ में नहीं है आपने क्या पूछा question. वो जो गुस्सा है वो आपकी क्वालिटी है? Is that your nature? No, is it's not. Is that characteristic? No. I mean. But. हाँ जी बताइए. No, it's not my character that I'm an angry person. If it's not, see, any person will not behave going out of its character, right? ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है ये समझना कि अभी हम लोग क्या बात करें, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं ये आत्मा है, ये आत्मा नहीं है। अब इन दोनों के बीच में जो एक फाइन लाइन है ना, जो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज आत्मा एंड व्हाट इज नॉट आत्मा, हम उस फाइन लाइन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अब जैसे कि गुस्सा आपका कैरेक्टर है और नहीं भी है, क्योंकि अगर आपका कैरेक्टर नहीं होता तो आपको गुस्सा आता ही नहीं। यदि आपको गुस्सा आया है सो दैट मीन्स कि इट इज अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर। यू नो हाउ आई विल पुट इट, आई वुड से कि गुस्सा आना आपके कैरेक्टर का वीकनेस है। I will not like to say कि वो आपका कैरेक्टर है, but I would say कि वो आपके कैरेक्टर में जो वीकनेस है that is गुस्सा। Will that be acceptable? I think so, yes. तो जिस moment, जिस time पे आपका आप weak पड़ जाते हो, आपका कैरेक्टर में कोई किसी टाइप का फॉल्ट आ जाता है, उस टाइम पे आपको गुस्सा आता है, बट इट इज नॉट यू, दैट इज नॉट योर कैरेक्टर, दैट इज नॉट योर नेचर। मेरी ऐसी मेरी एक भांजी से बातचीत हो रही थी, मुझे इस दुनिया में एक व्यक्ति बता दो जो कि बुरा है, जो कि विलन है। एक व्यक्ति का नाम बता दो। चलो ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन। हाँ जी, नहीं सबके लिए बुरा नहीं होगा वो। एग्जैक्टली क्योंकि यदि वो इतना बुरा होता ना तो उसकी खुद की फॉलोइंग इतनी नहीं होती, उसकी फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है कि उसके एक बोलने पे
लोग अपनी जान देने को रेडी है. कुछ तो बात होगी ना जिसके लिए ऐसा उस वो मतलब कोई भी व्यक्ति यदि कोई मुकाम तक पहुंचता है ना तो कोई ना तो कोई क्वालिटी होती है जिसके कारण से पहुंचता है. आज की डेट में आप आपके बच्चे का माइंड वॉश करना चाहो ना कर पाते हो? हम कुछ भी बोले लेकिन हमें उस व्यक्ति को एक चीज के लिए तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा दैट ही वॉज सक्सेसफुल इन जनरेटिंग अ लॉयल फॉलोशिप. उसका तो क्रेडिट देना पड़ेगा. सिमिलरली हमारी आत्मा भी जो है ना उसकी भी कुछ लॉयल फॉलोअर्स है. जिसके अंदर उसकी कुछ खामी है और ये पांच पाप चार कषाय क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष ये सब आत्मा की कमियां हैं. ये सब आत्मा की ताकत नहीं है. एक बात बताना मुझे अगर किसी चीज को संयमित करने का मुझे किसी चीज को कंट्रोल करना तो वो चीज मेरी होनी चाहिए मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए है और मेरे हिसाब से उसको बदलना चाहिए. उसके अंदर आई शुड बी एबल टू चेंज इट्स कोर्स ऑफ डायरेक्शन. अब क्रोधमान माया लोग कषाय विकारी परिणाम जितने भी विकारी परिणाम हैं उनमें से एक भी विकारी परिणाम आत्मा का नहीं है. और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं ये बात ग्रंथों में आई है. हाँ ये बात भी आई है कि ये विकारी परिणाम आत्मा के है ये भी आई है. अब इसको आपको समझना पड़ेगा. इस चीज को गहराई से समझने से पहले मैं आपको एक बहुत अति सुंदर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं. मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक कजिन भाई है भाई नहीं है भांजा है सॉरी. तो जब मैं उससे मिलने गया और हम दोनों कुछ दिन साथ में थे हम इंडियंस की आदत होती है हम कभी भी इंटरनेशनल ट्रेवल पे जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान लेके जाते हैं. मैंने उसको ऐसी एक चीज टेस्ट करवाई विच वॉज होम मेड एंड ही वॉज अपफ्रंट इन सेइंग कि ओ आई डोंट लाइक दिस टेस्ट दिस टेस्ट ऑफुल. एक बात बताना नुपुर जी अगर आपको कोई भी इंसान कोई भी चीज ऑफर करता है टेस्ट करने को हु इज अ गेस्ट फ्रॉम इंडिया आपको कितना भी बेकार क्यों ना लगे आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? आई वोंट से इट ऑफुल. अच्छा नहीं भी लगा तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है. अच्छा है. And the best part, I will tell you the best part. उसके बाद मेरा वही भांजा जब बॉम्बे आया था for some purpose, तो वो हमारे family members में गया था क्योंकि कोई भी international family members आते हैं, so they go and visit and meet all the family members in the city. और वो लोग जाएंगे तो कुछ खाने पीने को ही मिलेगा. उसको जिधर नाश्ता के लिए भेजे गए थे, उसने बोला, oh. This dhokla is good, but this chutney. बताओ.
आप लोग आते हो इंडिया, आपके घर पे, आप किसी घर पे जाते हो, वैसे आंसर्स देते हो? यूजुअली नहीं देते हैं किसी के घर गए तो, अनलेस वेरी क्लोज. ये बंदा पहली बार उन लोगों के घर गया था. मतलब टू बी वेरी फ्रेंक, मुझे तो पता भी नहीं था 5 साल पहले तक कि मेरा कोई भांजा ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है. ओ, मुझसे 2-3 साल छोटा ही है, ज्यादा छोटा नहीं है. He's what, 25-26 years of old? अब आप मुझे बताओ कि उस बंदे को इतना ही अक्कल होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि क्या जवाब देना है क्या जवाब नहीं देना. उसके बाद जब मेरी सिस्टर जिसका बच्चा था उनसे ऐसे में बातचीत की, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि इन ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द सेम कल्चर एंड द सेम थिंग इज इन यूएस आल्सो, वहां पे इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग यू से इट, यू डोंट लाइक इट एंड पीपल डोंट माइंड इट. यदि आप किसी के घर पे गए हो और किसी ने कुछ ऑफर किया है, अगर आपने बता दिया सामने वाले बंदे को कि आपको ये अच्छा नहीं लगा है, सो दे अप्रिशिएट योर फ्रैंकनेस, सो दैट दे विल नॉट ऑफर यू द सेम थिंग और सिमिलर थिंग मोर, दे विल गिव यू समथिंग एल्स. वहां के कल्चर में दे अप्रिशिएट हॉनेस्ट फीडबैक. वहां के कल्चर में यदि कोई आपको बोलता है कि घर आना, तो उसका मतलब होता है सच में आना. आई थिंक सो आपके वहां पे भी ऐसे ही होएगा यूएस में, कि आप लोग मंदिर में मिले, वहां पे कोई आपको मिला, या आप कोई वहां पे न्यू कपल से मिले, आपने उनको बोला कि घर पे आना, so you really mean ki literally ki aana, right? That is not just a formality, am I right? Ha sir. Aur same cheez India mein ho to aise hi bol dete. Dono mein difference kya hai? वर्ड सेम है, सिचुएशन सेम है, हर एक चीज सेम है, इन दोनों के में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इट्स व्हाट इज पॉपुलर इन द कल्चर. सो इंडिया की कल्चर में आना मींस नॉट नेसेसरीली आना, वर्सेस यूएस और ऑस्ट्रेलिया में if you are inviting someone then you are actually inviting. So I will tell you one difference which I realized. India ki itni population hai, it is so highly densely populated ki ek vyakti jisko hi bolta hai ghar pe aana, agar jisko bolega sab aa jaye na, to us vyakti ka pura din raat mehman nawazi mein chala jaye. On the other hand, Australia is not that densely populated. So when people ask somebody to come, they really mean it. क्योंकि वो पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में गिने चुने लोगों से मिलते हैं और गिने चुने लोगों को ही इन्वाइट करते हैं. Similarly, आप लोग इसको जो कल्चर डिफरेंट बोल रहे हो ना, सिमिलरली आत्मा का साथ भी है. आत्मा जब बोलता है ना कि ये ज्ञान मेरा है, ये उपयोग मेरा है, ये चीजों को जब वो अपना, आत्मा के स्वभाव को जब अपना बोलता है ना, तो वो रियल अपना बोलता है. जब वो अपने विकारी परिणामों को अपना बोलता है,
तो वो एज अ फॉर्मेलिटी उनको अपना बोलता है, क्योंकि वो विकारी परिणाम होते तो आत्मा में ही है। अब इसको ऐसे समझिए, मोह राग द्वेष क्या पुद्गल में हो सकता है? छह द्रव्यों में से कौन सा द्रव्य है, सात तत्वों में से कौन सा तत्व है, पूरी दुनिया में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें मोह राग द्वेष इत्यादि मिथ्यात्व इत्यादि विकारी परिणाम पॉसिबल हो? जीव द्रव्य ओनली। तो यदि वो जीव द्रव्य में ही पॉसिबल है तो जीव द्रव्य का ही हो गया ना। ए वॉल को गुस्सा आता है, आपको पता है मोबाइल को गुस्सा आता है? इमेजिन जिस दिन मोबाइल को गुस्सा आने लग जाए उस दिन क्या होएगा, आपको पता है आपके मोबाइल के साथ कैसा बिहेव करते हो, कहां कहां पे लेके नहीं जाते हो? अगर मोबाइल को गुस्सा आने लग जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। जितना अपमान मोबाइल का होता है ना उतना अपमान तो मेरे ख्याल से किसी का नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी भाव है ये सब जीव द्रव्य में ही होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते हैं, इसलिए इसको जीव द्रव्य कर बोला है, क्योंकि ये बाकियों में नहीं होते इसी में होते हैं, hence it belongs to जीव द्रव्य। लेकिन अगर जीव द्रव्य का स्वभाव देखा जाए तो नहीं है जीव द्रव्य का, ये जीव द्रव्य का वीकनेस है, ये उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्योंकि उसका वीकनेस और एबनॉर्मल बिहेवियर है इसलिए ये जीव द्रव्य का नहीं है। जस्ट फॉर दैट रीजन इट इज नॉट। आपको मेरा पॉइंट ध्यान में आ गया? तो फिर जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है, जीव द्रव्य का गुण क्या है? Anybody? क्रोध का उल्टा क्षमा। ओके, एनीबडी एल्स? Anybody else? मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज दिखा रहा हूं। आपको स्क्रीन शेयर करनी है क्या? हाँ जी। हाँ एक सेकेंड। हाँ आई थिंक अब नाउ यू कैन शेयर सर। ये जीव है, ओके? ये विजिबल है जी।
हाँ अभी बेटर है। ठीक है, ये जीव है विच इज इन योर ग्रीन कलर, ठीक है, ये अजीव है। अजीव का मतलब क्या होता है कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकते हैं अजीव का मतलब क्या होता है? जिसमें फीलिंग्स नहीं है, नो आत्मा, नो लाइफ, नो लाइफ। एग्जैक्टली, जीव और अजीव का मतलब डिफरेंस यही है। जीव मतलब जीव और अजीव मतलब जो जीव नहीं है वो अजीव है। अभी अब यहां पे देखना, मैंने इसको कलर कोड किया हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जीव तो आत्मा है, जीव का जो स्वभाव है वो स्वभाव भी 110% आत्मा ही है, ठीक है। जो जीव का विभाव है वो विभाव जाएगा आत्मा की कैटेगरी में, लेकिन है नहीं आत्मा का। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? विभाव जो है वो आत्मा के अलावा दूसरी और कैटेगरी में जा नहीं सकता है, इसलिए इट इज ऑफ आत्मा। लेकिन इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आत्मा। स्वभाव जो है, स्वभाव और जीव दोनों एक ही है। अब आपको जो अपना फोकस करना है, फोकस आपको यहां पे करना है। अभी आपका फोकस कहां पे है? यहां पे है। आपको ये फोकस हटाना है। अब आप मुझे बताओ, आपकी फुल लाइफ में आपके जितने भी परिणाम होते हैं, गुस्सा आता है, मान कषाय, क्रोध कषाय, लोभ कषाय, माया कषाय, पांच पाप, आपको कोई पसंद आता है, कोई पसंद नहीं आता है, इन ऑल दीज कंडीशंस, आई गॉट ओनली वन क्वेश्चन टू यू। आप उन कंडीशंस के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। कैन यू डिसाइड कौन से टाइम पे क्या कंडीशन होना है? जो अजीव, मतलब जो भी अजीव के अंदर जो कर्मास है, उनका जो भी उदय होएगा, उस उदय के हिसाब से, उस उदय के अनुकूल आपके विकारी परिणाम होंगे। इसको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूं। यदि मैंने नुपुर जी को बहुत ही जोर से पीटा, तो नुपुर जी को मान कषाय आएगा, नुपुर जी को लोभ कषाय आएगा, नुपुर जी को परिग्रह, चोरी, झूठ या कुशल के परिणाम आएंगे। क्या आएगा उनको? क्रोध और हिंसा के अलावा दूसरा कोई परिणाम आएगा? Am I audible? हाँ सर। So which means कि ये जो कर्मा है, ये कर्मा काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है, ये कर्मा इसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है काफी हद तक कि बॉस क्या होने वाला है।
You're getting my point? आपका स्क्रीन शेयरिंग चला गया है सर. ओके. वो एक्सेल मेरा एक्चुअली हैंग हो गया. Give me a second. Is it visible now? जी. मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं. अच्छा, इन सब में से आपके कंट्रोल में कौन है? विभव आपके कंट्रोल में है? स्वभाव. मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आपको मजा इसी में आएगा. मतलब यदि मुझे कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लाइन ऑफ डिफरेंस क्रिएट करना है तो वो लाइन ऑफ डिफरेंस ये होएगा. जो न्याय की भाषा है जिसके अंदर निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की बात आती है, तो यदि हम देखेंगे निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, इन दोनों का उपयोग करके ये जो मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है ना यहाँ पे, इस जगह पे ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि ये आत्मा ये ब्लैंक है, ये डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस जो हमें न्याय समझाना चाहता है. व्यवहार ने का बोलना है कि ये अजीव आत्मा नहीं है. निश्चय ने का बोलना है ये विकारी भाव आत्मा नहीं है. That's it. अब कंफ्यूजन की तो होता है ना न्याय में, हम इन दोनों के बीच में बोलते हैं अच्छा ये जीव है ये अजीव है. What we consider is कि ये अजीव है, और what we consider this as जीव. अब इसमें जब हम न्याय की भाषा में समझने चाहते हो, हम बोलते हैं कि विभाव भाव आत्मा के नहीं है, तो आप बोलते हो कि ये कैसी बात हो गई. जब समय सार बोलता है कि भाई ये विकारी परिणाम आत्मा का नहीं है, तो आप बोलते हो कि भाई अगर विकारी परिणाम आत्मा का नहीं है तो फिर क्या है. हम ये भूल जाते हैं कि जीव जो है वो यहाँ पे नहीं आता है, वो यहाँ पे आता है. आपको पता है आपके हाथ में आप किस चीज को 110% कंट्रोल कर सकते हो. स्वभाव. एग्जैक्टली. अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं. मैं आपको बोलता हूं, आप सब लोग गुस्सा कर रहे हो अभी, आपको अंदर से गुस्सा आना चाहिए. आएगा? नहीं. चलो आप सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं भी करता हूं, सोना नहीं है लेकिन ना आंखें बंद करना. अब आप लोग देखो, इमेजिन करो कि एक यूनिकॉर्न है. कैन यू इमेजिन अ यूनिकॉर्न? कैसा होता है यूनिकॉर्न? एक घोड़ा होता है जिसके सिर पे सिंह होता है और जिसके पंख होते हैं. यू एबल टू इमेजिन इट? अब ये सोचो कि ये जो यूनिकॉर्न है ना, इसके जो पैर है ना वो घोड़े के नहीं है, चीता के है, ताकि इसको हम सबसे ज्यादा स्पीड में भागने वाला बना दे. देख लिया आपने, इमेजिन कर लिया. अब आप मुझे ये बताओ, अब आंखें खोल लीजिए. अब आप मुझे बताओ कि ऐसा यूनिकॉर्न, पहली बात तो यूनिकॉर्न आपको सच्चाई में कहीं पे मिलेगा? और ऐसा यूनिकॉर्न कहीं पे भी मिलेगा?
नहीं चलिए एक और लास्ट थिंग, ठीक है? सब लोग आंखें बंद कर लो और बस इतना सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे ही सोचना। आहा, मेरा आत्मा खाली जानता देखता है, मैं आत्मा हूं, मेरा आत्मा मेरे हाथ में खाली जानना देखना है, मेरी ये जो बॉडी है ये बॉडी इज नॉट मी, ये बॉडी को भी मैं अपनी आत्मा के ज्ञान गुण से जान रहा हूं कि ये बॉडी मेरे पास है। मैं ये जो अपना हाथ ऐसे ऊपर उठा रहा हूं ना, सच बोलू तो ये हाथ ऊपर उठाना मैंने नहीं किया, क्योंकि हाथ ऊपर उठाना अगर मेरे हाथ में होता तो कोई भी इंसान पैरालाइज्ड नहीं होता। यदि पैरालिसिस पॉसिबल है तो इसका मतलब ये है कि ये हाथ, ये पैर, ये बॉडी को मैं कंट्रोल नहीं करता हूं। अब देखो ये जो मेरा ज्ञान है ना, ज्ञान को मैं कंट्रोल करता हूं। अब देखो ये ज्ञान को मैंने यहां पे लगाया, अभी देखना, अभी मैं इस ज्ञान को 2 सेकेंड में दूसरी जगह ले जाता हूं, किधर? इंडिया ले जाता हूं। इंडिया में आपके घर को देखो, आईज ओपन कर, मैंने ये एक स्मॉल एक्टिविटी से बस आपको इतना सा रियलाइज करवाया है कि ज्ञान आपका है, आपके हाथ में है, आप उसको जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं। तो यदि कोई मुझे ये बोले कि सर मैं इच्छा को कैसे खत्म करूं, मैं उपयोग को, अपनी भावों को कैसे कंट्रोल करूं, आप कौन से भावों को कंट्रोल करने की बातें कर रहे हो? मोह राग द्वेष को, वो कहां पे आया? विकारी भाव है। क्या विकारी भाव आपके है? जो भाव आपके नहीं है, हेलो, हाँ सर, जो भाव आपके नहीं है उन भावों को आप कैसे कंट्रोल करोगे, बताओ? नहीं कर सकते, उन पे बस ही नहीं है। एग्जैक्टली समय सार इस बात को समझाते समझाते थक गया। समय सार यही बोलेगा कि ये विकारी भाव आपके नहीं है, आप इसके कर्ता भोक्ता नहीं हो, आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है, स्वभाव आपका है, आप इसके कर्ता भोक्ता हो, इससे आपका लेना देना है। स्वभाव के आप कर्ता भोक्ता कैसे हो? आपको कुछ करना पड़ता है? अब बात आती है संयम की। अब संयम में आपको करना क्या होता है? कोई बता सकता है? चलिए, संयम आप आत्मा के कौन से गुण पे लगा सकते हो?
कोई आत्मा के गुणों के लिस्ट बता सकता? ज्ञान, दर्शन, ठीक है, चेतना, जीवत्व, हाँ, और बहुत सारे हैं सर, लाइक जीवत्व को हटा रहा हूं मैं, ज्ञान, दर्शन, चेतना, सुख, वीर्य, हाँ, चलिए अभी के लिए इतना रखता हूं मैं। इन सब में से आपको किसको संयमित करना? आपको हिंट देता हूं, आपको ऐसी चीज को संयमित करना है जिससे यू आर एबल टू डिसाइड दिस टू क्वेश्चन। जिससे आप अपना फोकस, अपना उपयोग स्वभाव पे लगाओ, विभव पे नहीं। आप सब लोग ऑफिस में काम करते हो ना, आप लोग क्या, आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव रहता है ऑफिस में, क्या? काम से काम मतलब रखो, अपने फंक्शन में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने को जो टास्क दिया हुआ है उसमें दिमाग लगाओ, उसको पूरा करो। जो भी फंक्शन, जो भी काम, जो भी चीज आपको दिया है लेकिन आपका है नहीं, जिसके बेसिस पे आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है, उसमें यदि आप ज्यादा दिमाग खोड़ी करोगे तो क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। खाली टाइम वेस्ट होता है, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, बस। यू वोंट गेट प्रमोशन, बस। सबसे की एलिमेंट तो आपने मिस ही कर दिया। आपका खुद का काम नहीं होता, गलत जगह, वो बात है, लेकिन आपने जो काम किया वो काम जिसका होएगा ना, वो बंदा आपका दुश्मन बन जाएगा। वो पता क्या बोलेगा आपको, वो बोलेगा कि भाई अपने काम से काम रखना, मेरे काम में तू क्यों इंटरफेरेंस कर रहा है, दिस इज माई जॉब डिस्क्रिप्शन नॉट योर्स, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट योर्स। What are you trying to do? You are trying to say that I don't know my job. You mean to say that I am incompetent? आपको नहीं लगता कि ऐसा भी बात आती है, ऐसा भी फील हो सकता है? सेम चीज है, जब आप अजीब के अंदर हस्तक्षेप करोगे तो अजीब को भी ये लगता है कि भाई तूने हमारी बेइज्जत कैसे की, तू हमें समझता क्या, तेरे हिसाब से क्या हम अपना काम खुद नहीं कर सकते। मजे की बात बताओ, यदि अगर आपने ना दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे किसी का काम भी कर दिया ना, उसका क्रेडिट तो आपको मिलना है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू साइन एनीथिंग, तो करना तो उसी को ही पड़ेगा। ये ऐसी हो गई कि काम भी किया गाली भी खाई। ये जो विभाव है ना, ये विभाव उसी कैटेगरी का है।
ये विभव काम तो करता है आत्मा का, करता किसके साथ है? अजीव के साथ, तो इसलिए गाली खाते हैं। Am I audible and clear? जी। अब आपको करना ये है कि आपको ज्ञान को, आपको इस ज्ञान को बोलना है कि भाई फोकस कर, इस ज्ञान को बोलना है कि इस पे फोकस कर। कहाँ पे फोकस नहीं करना? विभाव पे। तो विभाव पे फोकस नहीं करना। यही पूरी रामायण महाभारत, यही वो फैक्टर है विच विल डिसाइड कि आप सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। आपने आपका ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, आपने अपने आत्मा का फोकस को संयमित करते हुए स्वभाव पे लगाया तो वो ही सबसे उत्तम संयम है, उसके आगे कोई और संयम है नहीं। और यदि आपने आपके फोकस, आपके ज्ञान उपयोग को अपनी आत्मा के गुणों में ना लगाते हुए विकारी परिणामों में लगा दिया तो उससे बड़ा असंयम कुछ नहीं। इज इट क्लियर? मैं स्टॉप कर दूं स्क्रीन शेयर, कोई डाउट? चलिए एंड करने से पहले आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। ये जो अभी हमने ये जो डिस्कस किया ना, इसको हेल्प करने के लिए एक मैजिकल क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन को आप जब भी पूछोगे ना, तो वो क्वेश्चन की हेल्प से यू, उस क्वेश्चन की हेल्प से आप अपने फोकस को विभाव से हटा के बार बार स्वभाव की ओर लेके आ सकते। बताओ मैजिकल क्वेश्चन क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं कि वो मैजिकल क्वेश्चन क्या है? Anybody can tell me? And trust me, वो मैजिकल क्वेश्चन वर्क करता है। Go within, अंदर जाओ, बाहर से दृष्टि लेकर अंदर जाओ। कैसे? Okay, वो आपको बताना है। So, magical question, वो question होना चाहिए है जिसको आपके सामने रखा जाए तो ऑटोमेटिकली आप अपने स्वभाव में जाओ, विभाव की जगह। ये मैजिकल क्वेश्चन क्या है ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। कहानी में इतनी जल्दी क्लाइमेक्स नहीं आने दूंगा मैं। ठीक है, एवरीबडी इज देयर विद मी सो फार? कोई डाउट किसी को, कोई क्वेश्चंस? No. Everybody is enjoying? So far. Yes. चलो अच्छा लगा। Okay. I hope आप लोगों ने ये इंडियन फॉर्मेलिटी के हिसाब से आंसर नहीं दिया है। नहीं नहीं नहीं, सिंसियरली, बड़े दिल से। चलिए
आज का अपन यहीं पे एंड करते हैं, टाइम हो गया है। नुपुर जी, हाँ मैं शेयर करती हूँ। हाँ जी, आज का हम लोगों ने जो सीखा है वो उसका बेस, उसका रेफरेंस समय सर था। चलिए मिथ्या कमनाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है छो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताय वे जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोक सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हमने जो देखा था वो समय सार का मेन जो बॉटम लाइन है, जो समय सार में जो बात आई है उसे एक ओवरव्यू अभी हमने देखा था। अगर कभी मौका मिलेगा तो हम डिटेल में भी समझेंगे समय सार को। चलिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर।